नमस्कार। आज उत्तरी अमेरिका की नदियों को हम लोग देखेंगे पिछली क्लास से आगे बढ़ते हुए। तो आज चलिए चलते हैं उत्तरी अमेरिका की कुछ महत्वपूर्ण नदियों को देख लेंगे। जहां तक प्रश्न है उत्तरी अमेरिका की नदियों से प्रश्न के आने की बात करें तो उन पर अवस्थित बांध, उनके मुहाने और जलमार्ग या उनके डेल्टा से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। और उन्हीं को जो है हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे फिलहाल, उससे अतिरिक्त कुछ और भी वहां पे ढूंढने का प्रयास करेंगे तथ्यों को। चलिए चलते हैं उत्तरी अमेरिका। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका की सबसे उत्तर में चल रहे हैं स्थिति, आप देख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे उत्तर में आपका सागर पड़ता है ब्यूफोर्ट सागर, ये ठीक है, ब्यूफोर्ट सागर आपका पड़ता है। और इसमें जो मुहाना बनाती है मैकेंजी नदी, जिसके वजह से मैकेंजी की खाड़ी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, मैकेंजी की खाड़ी। और ये नदी जो है आपके आगे है तो इसका संबंध कहीं ना तो कहीं ग्रेट स्लैब से भी है, ये आप देख सकते हैं ग्रेट स्लैब से। कल चर्चा हुई थी ग्रेट स्लैब झील, जो कि एक दूसरी नदी स्लेब नदी से अथाबास्का से जुड़ी हुई है, तो ग्लेट स्लैब से जो है इसका संबंध दिखता है, ठीक है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में अगर हम बात करें, ब्रिटिश कोलंबिया तो हालांकि नीचे है, वहां पे ये नदी जो है फिनले के नाम से जानी जाती है, फिनले। ब्रिटिश कोलंबिया में, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में यह फिनले के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और मुहाना तो ब्यूफोर्ट सागर में बनाती ही है, तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ब्रिटिश कोलंबिया से ये आपकी होके जा रही है। इसका पॉलिटिकल भी आप देख लीजिए, तुरंत बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पॉलिटिकल ये आपका है, ठीक है। तो ये आपका जो है देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया ये है, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया में जो है फिनले नदी के नाम से जानी जाती है, और इसका संबंध जो है आपका स्लेब से भी है। अब यहाँ पर दिखाया तो नहीं है कहाँ से गई है, लेकिन ये स्लेब से होते हुए आपकी मैकेंजी जाती है, मैकेंजी की खाड़ी ब्यूफोर्ट सागर में मुहाना बनाती है मैकेंजी नदी। इतनी चीजें केवल इसमें ध्यान में रखेंगे, इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। अगर देश की बात करें तो ये पूर्णतः कनाडा में ही अवस्थित है, पूर्णतः कनाडा में ही अवस्थित है, ये आपका अलास्का या यूएसए में नहीं है, ठीक है। दूसरी नदी हम लोग देखते हैं यूकॉन नदी, महत्वपूर्ण है, आप यहीं पर देख सकते हैं इसी क्षेत्र में, मैपिंग आप किए हैं बहुत, ठीक है। यूकॉन नदी जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है ना, ये है यूकॉन नदी, और ये आपकी जा रही है नॉर्थ साउंड, ठीक है, नॉर्टन साउंड में जा रही है, मुहाना इसका जो बन रहा है नॉर्टन साउंड। यहीं पर एक पॉइंट आपके सामने हमें दिख गया जो दिमाग में रखिएगा, वो क्या है, सेंट लॉरेंस द्वीप, ठीक है, सेंट लॉरेंस द्वीप बेरिंग सागर का भाग है, सेंट लॉरेंस द्वीप बेरिंग सागर का भाग है, जबकि सेंट लॉरेंस नदी आंध्र महासागर में मुहाना बना रही है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि सेंट लॉरेंस के नाम से आपका दो चीजें हो रही हैं, एक तो आपकी नदी है और दूसरी जो आपका द्वीप है, तो सेंट लॉरेंस द्वीप आपका पड़ेगा बेरिंग सागर में, ठीक है। और यहीं पर आपको मिल जाएगा नॉर्टन साउंड, जहां पे यूकॉन नदी जो है मुहाना बना रही है। और ये यूकॉन नदी जो महत्वपूर्ण बात है, 66.5 अंश नॉर्थ, यानी 66.5 अंश नॉर्थ, यानी आर्कटिक वृत्त को दो बार काटती है, ठीक है, आर्कटिक वृत्त को यह दो बार काटती है। इसका निर्माण जो है लेविस एवं फाइली नदी के संगम से होता है, तो इसी में एक नदी आपकी होगी लेविस और एक नदी होगी फाइली, है ना, लेविस और पायली नदी के संगम से बनती है आपकी यूकॉन नदी, और ये आर्कटिक वृत्त को दो बार काटती है, और ये आपका कनाडा में भी है
और अलास्का में भी है। नॉर्टन साउंड जो कि बेरिंग सागर का भाग है वहां पे यह मुहाना बना रही है। ठीक है, नमस्कार, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली नदी जो आपकी है वो सस्केचवान, कल चर्चा हुई थी, चाहे उसका दुर्भाग्य समझिए या सौभाग्य समझिए। सस्केचवान दो ठो बताए थे और दोनों नॉर्थ सस्केचवान बताए थे, ठीक है, और दोनों पर जो है शहर बताए थे आपका यहाँ पे, ठीक है। एक जो है एडमंटन है नॉर्थ सस्केचवान पे, नॉर्थ सस्केचवान पर ही आपका कैलगरी भी है, कैलगरी और एडमंटन, ठीक है। और ये जो मुहाना बना रही है आप देख सकते हैं, ये जुड़ी किससे है, विनिपेग की झील से, विनिपेग झील से आपका ये जुड़ी हुई है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, वैसे तो स्थान कोई उद्गम का नहीं है, लेकिन इधर जो है आपका रॉकी पर्वत मान लिया जाएगा, रॉकी पर्वत से इसका उद्गम होता है। और नॉर्थ सस्केचवान और दूसरी नॉर्थ सस्केचवान, दो सस्केचवान है, नॉर्थ सस्केचवान, नॉर्थ सस्केचवान आपका सस्केचवान, ठीक है। इस पे दो शहर है जो कि अल्बर्टा में है, एक एडमंटन है और एक कैलगरी है, ये दोनों इसी पे पड़ते हैं, इसी नदी के तट पे पड़ते हैं और विनिपेग में इसके द्वारा जो है मुहाना बनाया जाता है, ठीक है, सस्केचवान, ठीक है। इसके बाद एक नदी आती है आपकी पीस नदी, कल बताए थे पीस नदी आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीस पर पीस रिवर लिखा हुआ है, एक स्थान भी है। और ये पीस नदी स्लेब से स्लेब कर रहे हैं अथावास्का झील से जुड़ी हुई है, ठीक है। पीस नदी उद्गम की बात करें तो यहाँ पर जो है स्टिकिन पर्वत है, स्टिकिन पर्वत, ठीक है, स्टिकिन पर्वत आपको यहाँ मिलेगा, है ना, स्टिकिन पर्वत से इसका उद्गम होता है और अथावास्का झील में इसके द्वारा मुहाना बनाया जाता है। महत्वपूर्ण क्यों है इसको बताने की, इसको बताया क्यों जा रहा है, क्योंकि इस पे आपको एक बांध मिलेगा, बेनेट बांध, ठीक है, बेनेट बांध, इस बांध की वजह से आपको इसको याद रखना होगा, ठीक है, बेनेट बांध की वजह से इसे आपको याद रखना होगा। तो याद रखिएगा, पीस नदी जिसका उद्गम स्टिकिन पर्वत से हुआ है, रॉकी पर्वत का भाग है और ये आपका अथावास्का में मुहाना बना रही है, ठीक है, इस पे बेनेट बांध अवस्थित है, ठीक है। मिसिसिपी मिसौरी सबसे महत्वपूर्ण नदी की तरफ हम लोग चल रहे हैं, वो आपका है मिसिसिपी मिसौरी, ठीक है। एक बार हम आरेख जो है मिसिसिपी मिसौरी का देख लेते हैं, फिर स्पेशल यूएसए के मैप में चल करके मिसिसिपी मिसौरी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, ठीक है। हालांकि उद्गम जो इन सब का है वो मोंटाना के रेड रॉक से हुआ है, उद्गम जो है मोंटाना के रेड रॉक से हुआ है और मुहाना मैक्सिको की खाड़ी में जाता है, इसका बनता है। जो क्वेश्चन मिसिसिपी मिसौरी से आया हुआ है वो आपका चिड़िया के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, ये आया हुआ है, ठीक है। और सेंट लुइस में जो है आपका मिसिसिपी और मिसौरी दोनों संगम करती हैं या संगम बनाती हैं, ये जो है क्वेश्चन आपका दिमाग में रहना चाहिए। फिलहाल इसको हम देख लेते हैं, देखिए आपका थोड़ा सा हल्का दिखेगा, जूम करके हम इसको फिर दिखा देंगे। ये आप देख रहे हैं ये मिसिसिपी मिसौरी है, ठीक है, सेंट पाउल जो है आपका इसी पे है, ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी सेंट पाउल आपका इसी पे है। आप आगे जब इसको लेके चल रहे हैं तो इधर से आप देख रहे होंगे प्लेट नदी आ रही है, ठीक है, प्लेट नदी आ रही है और इधर से आ रही है आपकी मिसौरी, मिसौरी की सहायक नदी है प्लेट नदी। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, आरेख को, हालांकि प्रयास करिए कि जैसे जैसे आरेख बना रहे हैं वैसे वैसे आप बना भी लीजिए, ठीक है। मिसिसिपी मिसौरी और प्लेट का संगम कहाँ बनता है तो यहीं पे आप इस चीज को देख भी सकते हैं, ठीक है। ये आपका है ओमाहा स्थान, आपका है प्लेट जो है यहाँ पर संगम बना रही है। तो प्लेट किसकी सहायक नदी हो गई, मिसौरी की, ठीक है।
अब मिसौरी की हो गई, यही आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सेंट लुईस, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा सेंट लुईस, है ना। सेंट लुईस में एक तरफ से मिसिसिपी आती है, दूसरी तरफ से मिसौरी, दोनों अपना संगम बना लेती है। दिमाग में इशारे को बैठाते चलिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आप लेके चलेंगे तो इसमें एक नदी और जुड़ती है, अराकांसस, ठीक है, अराकांसस नदी जो है यहाँ पर एक नदी और जुड़ जाती है, ठीक है। और इसी में एक नदी और जुड़ती है रेड, आप यहाँ देख सकते हैं रेड। और फाइनली जो है ये आपका लुसियाना, लुसियाना शहर आपका है, ठीक है, जो कि मैक्सिको की खाड़ी में आपका इसके द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, जिसके मुहाने पर लुसियाना, और यहीं पर आपको न्यू ऑर्लियंस, ठीक है, न्यू ऑर्लियंस और लुसियाना, स्पेशली बात करें मुहाने पर न्यू ऑर्लियंस है, ठीक है, न्यू ऑर्लियंस इसके मुहाने पे है। अब इसी चीज को जो है एक बार फिर से दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए आपको इसे मार्ग भी बताए थे, लुईस मार्ग या इल्नियास मार्ग जो भी था, जिसमें आपको बताया गया था कि ये आपका सुपीरियर झील, फिर मिसिसिपी मार्ग होते हुए ये आपका मैक्सिको की खाड़ी तक जा रहा था, एक मार्ग ये था। और एक बार हडसन नदी को होकर के जा रहा था, एक सेंट लॉरेंस नदी को जा रहा था, कल बताए थे हम तीन मार्ग, ठीक है। तो आपका एक मार्ग जो आपका मिसिसिपी वाला है, इसको आप पकड़ करके चाहेंगे तो मिनीपोलिस जो है आपका इसी पे शहर है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे जो है सेंट लुईस में इधर से मिसौरी आकर के मुहाना बनाती है, संगम बनाती है, ठीक है। प्लेट जो है ओमाहा में मिसौरी से संगम बना लेती है। आगे बढ़ेंगे तो अरकांसा जो है इसकी एक सहायक नदी बन जाती है, और फिर रेड नदी आके सहायक नदी बनती है इसकी, और फाइनली जो है आपका सेंट लुईस होते हुए न्यू ऑर्लियंस में इसका मुहाना बना लिया जाता है, ठीक है। इसी चीज को अगर हम स्पेशल मैप में देखें तो आप देख सकते हैं उसको भी, तो चलें स्पेशल मैप में ही चले चलते हैं आपका, ठीक है, स्पेशल मैप में आ जाते हैं, स्पेशल यूएसए में, ठीक है। ये आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को, हम आरेख को पकड़ करके चल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हमने बड़ा भी कर दिया है, है ना। ये आप जो है मिसौरी देख रहे हैं, ये मिसौरी है, आरेख बनाते चल रहे हैं, फिर हम इसको मिटा भी देंगे, मिसौरी है, ठीक है। इसको आप पकड़ करके चलिए तो आपको जो है ये मिसौरी दिख रही है, ठीक है, इसी से आपका जेम्स नदी भी आपकी मिल रही है, तो हमें इतनी छोटी नदियों को कोई जरूरत नहीं। ओमाहा में आ गए, ओमाहा में आप देख रहे हैं इधर से जो है रॉकी माउंटेन की तरफ से आपकी जो है प्लेट नदी आके मिल रही है, ठीक है, ये ओमाहा में आ गए। और इधर जो है आपकी ये मिसिसिपी जो है, ये मिसिसिपी चल रही है, मिनोपोलिस में आ गए, ठीक है। सेंट पॉल आपका यहीं पर है, और आपका मिनेसोटा नदी भी आपकी इसी से जुड़ी हुई है, एक और नदी इसकी रेड भी है, यहाँ पे रेड भी है, ठीक है ना। तो आप इसको मिसिसिपी को पकड़ करके लेके चलिए, आगे बढ़ रहे हैं तो आपका जो है इसके साथ जुड़ रही है सेडार नदी, है ना, सेडार नदी। और फिर आगे आपको जाना ही है तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आरेख आप बना ही लिए हैं, फिलहाल हमें यहाँ पे दिखाना है, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अरकांसस है, अरकांसस को आप पकड़ करके लेके चलिए, आगे बढ़िए, ठीक है, अरकांसस को लेके चलिए तो आपकी नदी जो है मिसिसिपी ये है, ठीक है, मिसिसिपी आपकी ये चल रही है। सेंट लुईस आ गए, इस सेंट लुईस में संगम आपका बन रहा है किसका, मिसिसिपी का, ठीक है, सेंट लुईस में मिसिसिपी का संगम बन रहा है ना। और इसी में अगर आए तो देखिए ओहियो इसकी एक नदी हो जाती है, ठीक है, ओहियो, तो बहुत ज्यादा नदियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। इधर से रेड भी आपकी आ जा रही है, और इसी से जुड़ने वाली नदी आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है, ये है, तो ये है, है ना। थोड़ा सा और नीचे चल के हम लोग देख लेते हैं, मुहाने पे आ ही गए हैं, यहाँ मुहाने पे इसको जो है पंजाकार डेल्टा, चिड़िया के पंजाकार डेल्टा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो बना किस कहाँ पे रहा है, न्यू ऑर्लियंस में, ठीक है, न्यू ऑर्लियंस में बना रहा है, ठीक है।
ये आपका न्यू ऑर्लियंस इसके बुहाने पर अवस्थित है, है ना। तो ये आपकी जो है मिसिसिपी मिसौरी रही, है ना। मेन बात यहाँ पर याद रखने वाली क्या है, मोंटाना रेड रॉक से आपका इसका उद्गम है ये नहीं पूछेगा। मुहाना मैक्सिको की खाड़ी में बना रही है, याद रखिए, चिड़ियों के पंजे के आकार का है ये याद रखेंगे। मिसिसिपी और मिसौरी का संगम जो है सेंट लुइस में है ये याद रखेंगे। न्यू ऑर्लियंस कहाँ है, मुहाने पर है ये याद रखेंगे, ठीक है। और इसकी सहायक नदियों को थोड़ा सा, रेड नदी सहायक हो जा रही है, अरकानसस जो है सहायक हो जा रही है, और मिसौरी की सहायक नदी आप याद रखेंगे। तो इन इतनी चीजों को आप याद रखेंगे, क्यों, इसी का जो है मिसिसिपी का मार्ग जो है आपका बृहद झील से मैक्सिको तक जोड़ता है, ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगली नदी हम लोग देखते हैं, अगली नदी आपकी है सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी को हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, फिर उसमें चलते हैं। आपको कल भी हमने बताया था कि यहाँ पे जो है ओंटारियो झील है, ठीक है। ओंटारियो झील से इसका उद्गम होता है, चलना पड़ेगा उसी में, चलना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि कनाडा के साथ भी इसका अपना संबंध है, है ना। आप यहां देख सकते हैं ओंटारियो झील ये है, ठीक है, ओंटारियो झील है, याद रखेंगे। ओंटारियो झील से उद्गम होता है मॉन्ट्रियल कनाडा का, इसके तट पे है। तट पर कौन से शहर बसे हुए हैं इस चीज को याद रखेंगे। नमस्कार भाई, बहुत बात दिखाई दिए, ठीक है, मॉन्ट्रियल। तो ये जो है आपका मॉन्ट्रियल है, आपके किस नदी पे है, तो सेंट लॉरेंस की नदी पे, सेंट लॉरेंस नदी पर है, ठीक है। क्यूबेक को याद रखेंगे, सेंट लॉरेंस नदी पर है, है ना। इसको लेके चले गएंगे तो एंटी कोस्टल द्वीप आप जान ही रहे हैं, सेंट लॉरेंस की खाड़ी मुहाना बना रही है। इसके बारे में बहुत से डिटेल हो चुके हैं कि शीतकाल के समय सेंट लॉरेंस नदी का मुहाना जो है ये बर्फ से ढक जाता है। वजह क्या है, लैब्राडोर की ठंडी जलधारा जब इधर से अटैक करती है तो ये मुहाना शीतकाल में बर्फ बन जाता है, व्यापार जो है यहाँ पर नहीं हो पाता है, तो अमेरिका का एक मार्ग बंद हो जाता है। तो क्या करे, दूसरा मार्ग मिसिसिपी से ले लेता है, एक और मार्ग वो बना रखा हडसन नदी से है जो कि न्यूयॉर्क में खुलता है, ठीक है। तो इसके साथ ये बात जुड़ी हुई है, सेंट लॉरेंस नदी उद्गम ओंटारियो झील आपका हो जाता है, मुहाना सेंट लॉरेंस की खाड़ी हो जाता है, ठीक है। और इसी नदी पर एक बांध है जिसे याद रखेंगे, इरोक्योइस बांध, इरोक्योइस बांध, इरोक्यो इस बांध जो है आपका इसी पे है, ठीक है, इरोक्योइस बांध, ये आपका सेंट लॉरेंस की नदी पर है, ठीक है, इरोक्योइस बांध जो है सेंट लॉरेंस की नदी पर है। अच्छा, चलिए तबीयत का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। तो इरोक्योइस बांध जो है आपका यहाँ पर है। दूसरी चीज हमने बताया था नियाग्रा जलप्रपात, जिसे आत्महत्या का जलप्रपात भी हमने बताया था, इसी से जुड़ा हुआ है। हालांकि जो नियाग्रा जलप्रपात है इरी और ओंटारियो से जुड़ा हुआ यहाँ पे है, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात आपको याद रखना होगा, इसके साथ जो संबंध है। दूसरा इरोक्योइस बांध को याद रखेंगे, ओंटारियो झील से निकली हुई है, आंध महासागर के सेंट लॉरेंस की खाड़ी में इसके द्वारा मुहाना बनाया जा रहा है, ये याद रखेंगे, ठीक है। और कल चर्चा हुई थी इसी को लेकर के, नियाग्रा को ही भारत में भी एक नियाग्रा की उपमा दी जाती है, फिलहाल उसके लिए आप कल की वीडियो देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगली नदी की हम लोग बात करते हैं, अगली नदी आपकी है कोलोराडो, कोलोराडो काफी चर्चित है, इसके बाद आपके पूछे गए हैं। कोलोराडो का पठार, कोलोराडो नदी को याद रखने के लिए आपको कोलोराडो के पठार को ध्यान में रखना होगा, है ना। तो इसको जानने के लिए हमें स्पेशल यूएस से देखना होगा, ये मुहाना बनाती है आपकी कैलिफोर्निया की खाड़ी में, यहाँ पे बनाती है, लेकिन स्पेशल जो है हमें इसको देखना होगा स्पेशल यूएसए में, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ इसमें विशेष बातें अपने आप जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो आप जो है स्पेशल यूएसए में आ गए हैं और यहाँ पे जो है कैलिफोर्निया की खाड़ी है, इसी कैलिफोर्निया की खाड़ी से हम इसका सफर शुरू करते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए आरेख बनाते चल रहे हैं, आप
भी बना सकते हो तो बना लीजिए, ठीक है। ये आपकी है कोलोराडो, ठीक है, कोलोराडो नदी। आप पकड़ के चलेंगे तो कल चर्चा हुई थी लेक मीड की, इसी पर जो है आपको लेक मीड झील है ना, लेक मीड, जो कि कल चर्चा आपकी हुई थी लेक मीड, ठीक है। लेक मीड झील से जब आगे आप बढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं ग्रैंड कैनियन, बहुत चर्चा सुने होंगे ग्रैंड कैनियन की, ठीक है। तो ग्रैंड कैनियन भी आपकी कोलोराडो नदी पर है, याद रखिएगा, ये ग्रैंड कैनियन परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन के बाद पाउल लेक है, पाउल लेक है, सान जुआन, याद होगा पर्वत हम लोग पढ़ रहे थे तो सान जुआन माउंटेन भी आया था, तो सान जुआन माउंटेन से ही संबंध रखती है सान जुआन नदी, ठीक है। तो सान जुआन नदी हो जाती है, और लाल पीला हरा नीला जब शब्द आता है तो डाउट्स आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें कहीं नहीं भगना, सीधे यूएसए भगना है, है ना। तो थोड़ा सा हम इसको इधर कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, थोड़ी सी चीजें और आ जाएंगी, जूमिंग थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि कुछ चीजें और क्लियर हो जाए, चलिए ठीक है। तो लेक मीड आप यहाँ पे थे, लेक मीड से आप चलिए, ये वासाच रेंज है, जान ही रहे हैं आप, ठीक है। पाउल लेक है, सान जुआन नदी है, इसके ऊपर जाए तो देखिए, हम कहे ना कि ग्रीन हरा पीला नीला जो भी है सब तो यूएसए की तरफ डाउट चला जाना चाहिए, है ना। ग्रीन नदी इसकी सहायक है, ठीक है, ग्रीन नदी आपकी इसकी सहायक है, यूइंटा माउंटेन के पास दिख रही है। फिर व्हाइट नदी ग्रीन की सहायक है, ठीक है, व्हाइट नदी ग्रीन की सहायक है, और ये ग्रीन नदी आपकी चली जा रही है इधर, है ना। अच्छा, ये कोलोराडो नदी को आप पकड़ कर लेके चलेंगे तो ये आपको कहाँ पहुंचा दे रही है, कौन सा है, फ्रंट रेंज की तरफ लेके आपकी चली जा रही है, ठीक है। गुनसन नदी आपकी यहीं पर है, जो सचवान क्या नाम है सवाच रेंज की तरफ से है, और सान जुआन को पकड़ेंगे तो आपका देखिए सान जुआन माउंटेन की तरफ लेके आ जा रही है, ठीक है। तो ये आरेख जो है आपका यूएसए में, ये कोलोराडो नदी के साथ जुड़ा हुआ है। कोलोराडो नदी के साथ ग्रैंड कैनियन को मत भूलिएगा, उसको तो याद ही रखिएगा, ठीक है। ग्रैंड कैनियन को आप नहीं भूलेंगे, उद्गम की बात करें कहीं नहीं जाएगा, राकी पर्वत से ही इसका उद्गम होगा, इस साइड से, ये आप देख रहे हैं ना, ये फिर मुड़ करके इधर ही चली गई है, राकी पर्वत से इसका उद्गम हो जाता है, ठीक है, कोलोराडो नदी का। अच्छा, मुहाना कैलिफोर्निया की खाड़ी में बनाता है, ये हमने पहले ही बता दिया है ना। अच्छा, सहायक नदी छोटी कोलोराडो भी है, और भी बताए, ग्रीन है, व्हाइट, ग्रीन की सहायक नदी व्हाइट है, सान जुआन है, ठीक है, गुनसन है, आपने देखा था गुनसन वासाच रेंज की तरफ, सान जुआन आपने देखा सान जुआन माउंटेन की तरफ, ठीक है, ये आपकी इसकी सहायक नदी हो जाती है ना। ये कौन नदी, गीला, गीला, गीला नदी भी जो है इसकी सहायक नदी है ना, गीला नदी। हूबर बोल्डर डेविस पार्कर, हूबर बोल्डर डेविस पार्कर, हूबर बोल्डर डेविस पार्कर, ये बांध है कुछ जो कि आपके इससे जुड़े हुए हैं, यानी कोलोराडो नदी से जुड़े हुए हैं। हूबर बांध, बोल्डर बांध, डेविस बांध और पार्कर बांध। ठीक है, यूएसए के बांध को तो जरूर दिमाग में रखिएगा, जो नदी पे बने हुए बांध हैं उसको याद रखिएगा, हूबर बोल्डर डेविस पार्कर, ये बांध आपके कोलोराडो नदी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक नदी, रियो ग्रांडे, ठीक है, रियो ग्रांडे नदी की बात कर लेते हैं यहीं पर, चलिए रियो ग्रांडे की तरफ आते हैं, नीचे साइड में हमें जाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। रियो ग्रांडे, ये रियो ग्रांडे नदी, ठीक है, इसके लिए हम स्पेशल मैप वही निकाल देते हैं, हाँ ये है आपकी, दिख रही है रियो ग्रांडे नदी, ठीक है, ये आपकी है रियो ग्रांडे नदी, है ना। फिलहाल स्पेशल मैप में निकालें, ज्यादा बढ़िया रहेगा, थोड़ा सा स्पष्टता जो उसकी अच्छी हो जाएगी, यहाँ पे आ जाइए, ये है रियो ग्रांडे नदी, ठीक है, दिखाई दे रही होगी,
पीस नदी, पीकोस, पीकोस नदी है, और ये आपका इस्क्रामेंटो रेंज है, और इधर जो है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है, ठीक है। इससे होकर के आपकी ये रियो ग्रांडे नदी मेक्सिको की खाड़ी में मुहाना बनाती है। इससे जो क्वेश्चन आपका बनने वाला है या बना हुआ होगा वो ये कि एक तरफ जो है आपका मैक्सिको पड़ता है, ठीक है, मैक्सिको, और एक तरफ जो है यूएसए पड़ता है, ठीक है। तो रियो ग्रांडे नदी जो है ये आपका मैक्सिको और यूएसए के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। उद्गम की बात करेंगे तो सान जुआन माउंटेन से हालांकि है सैक्रामेंटो के, और ऊपर जाएंगे यहाँ पे आपको सान जुआन माउंटेन मिल जाएगा, वहां से इसका उद्गम है जो आपके रियो ग्रांडे है। पिकोस सहायक नदी हो जा रही है, मुहाना गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। ये आपकी हो गई रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे के बाद हम लोग चलते हैं कोलंबिया पठारी क्षेत्र में, और वहां पर बात करेंगे कोलंबिया नदी की। उसके लिए स्पेशल यूएसए में आएंगे, लेकिन कोलंबिया नदी का दर्शन पहले करा दें, ठीक है। कोलंबिया पठार, ये आपका कोलंबिया प्लेटू है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलंबिया प्लेटू ये लिखा हुआ है, ये पूरा है, ठीक है, कोलंबिया प्लेटू। यहाँ पे आपको एक कोलंबिया नदी ये दिख रही होगी, जिसकी की सहायक नदी स्नैक है। स्नैक मतलब क्या? सांप, ठीक है, याद रखिएगा, स्नैक। तो इसकी सहायक नदी स्नैक है, ठीक है, इसी को हमें जो है पकड़ना है इसमें, ठीक है। कोलंबिया प्लेटू की तरफ हम आ गए, ठीक है, ये आपका है ना कोलंबिया। चलिए कोलंबिया, ये आपकी है कोलंबिया नदी, है ना कोलंबिया। कोलंबिया की जॉन डे सहायक हो जाती है। आरेख जैसे बना रहे हैं आप ऐसे ही बना सकते हैं। जॉन डे इसकी सहायक हो जाती है, और इसकी सहायक में आप देख रहे हैं कि स्नैक भी है, ठीक है। कोलंबिया यहीं से उत्तर चली जाती है कनाडा की तरफ, ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ चली जाती है, ठीक है, उत्तर चली जाएगी, और इसकी सहायक नदी जो है स्नैक आपकी हो जाती है। यहाँ पर जॉन डे है, ठीक है, ब्लू माउंटेन। अब देखिए फिर यही बात आती है, नीला काला पीला जो भी है, ज्यादातर संभावना यहीं से होती है। ब्लू माउंटेन भी है, नीला पर्वत भी है। ब्लू माउंटेन ना पूछे, नीला पर्वत पूछ दे, तो नीला पर्वत आपको तीन जगह है, तीन जगह ब्लू माउंटेन। एक तो आपका यूएसए में है, एक आपका मिजोरम में है, एक आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, तीन जगह पे है। और तो यहाँ पर भी एक है, जॉन डे हो गया, स्नैक इसकी सहायक नदी है। स्नैक को आप पकड़ कर लेके आइए तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और स्नैक की सहायक नदी आप देख सकते हैं सॉल्मन, ठीक है, सॉल्मन, जो कि सॉल्मन माउंटेन से ही निकल रही है, ठीक है। और बाकी कोलंबिया चली जा रही है उधर, ठीक है, कोलंबिया। उद्गम ब्रिटिश कोलंबिया, हमने बताया ना कनाडा में जाएगी, ये पहुंचा देगी ऊपर कनाडा में, ब्रिटिश कोलंबिया में चली जाएगी, ठीक है। ब्रिटिश कोलंबिया से इसका उद्गम होता है। सहायक नदी स्नैक महत्वपूर्ण है, जो आप जान रहे हैं, ठीक है। एक विशेष बात, कोलोराडो नदी पे आपने देखा था ग्रैंड कैनियन, यहां पर एक कैनियन है जिसका नाम है हेल्स, हेल्स, ठीक है, हेल्स कैनियन है, जो कि कोलंबिया पे है। ये विश्व की सबसे बड़ी कैनियन है, हेल्स, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी कैनियन हेल्स है, जो कि आपका ब्रिटिश कोलंबिया में, ठीक है, कोलंबिया कह रहे हैं, कोलंबिया नदी में, ठीक है, कोलंबिया नदी पर अवस्थित है, ठीक है। हाँ, अब कैनियन का मतलब ये नहीं है कि जो सागर वाली कैनियन है उससे तुलना कर लेंगे नदी कैनियन के रूप, ठीक है। बांध की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण बांध भी है, ग्रैंड कुली बांध आपको इसी पे मिल जाएगा, ग्रैंड कुली, ग्रैंड कुली बांध आपको इसी पे मिल जाएगा। इसके अलावा ग्रैंड कुली बांध के अलावा आपका यहीं पर बानविले चीफ जोसेफ, ठीक है, बानविले चीफ जोसेफ, बानविले चीफ जोसेफ, जोसेफ आपका यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है, चीफ जोसेफ। और विशेष बात, यूएसए की ये सबसे लंबी नदी आपकी होगी, ठीक है, यूएसए की ये सबसे लंबी नदी होगी।
प्रशांत सागर में मुहाना बना रही, ये तो आप बड़ी बात देख रहे हैं। ठीक है, हो गया। अगली नदी बात करते हैं फ्रेजर नदी की, यहीं पर पड़ोस में ही। ठीक है, फ्रेजर नदी से पहले दूसरी नदी देख लेते हैं, क्योंकि हम स्पेशल यूएसए निकाले हैं तो स्पेशल यूएसए में दूसरी नदी देख लेते हैं इसको। ये आप देख रहे होंगे स्क्रामेंटो नदी, है ना। स्क्रामेंटो नदी के साथ एक विशेष बात जुड़ी हुई है, कोई एक इससे बांध है इस समय तत्काल में तो याद नहीं है, लेकिन सक्रामेंटो, हाँ केविक बांध है। ठीक है, इस पे एक केविक बांध है। जय भीम भाई साहब, जय भीम, नमस्कार सभी लोगों को। ठीक है, केविक बांध है। स्क्रामेंटो चर्चा में थी पिछले दिनों में, क्यों थी, कि जो बांध है इस कभी भी टूट सकता है, जर्जर अवस्था में आपका है, है ना। तो स्क्रामेंटो नदी को आप यहाँ पे याद रखेंगे, ये आपकी है स्क्रामेंटो, ये है एटलस। ठीक है, स्क्रामेंटो है, है ना, स्क्रामेंटो। कहाँ मुहाना बनाएगी, तो आपका प्रशांत महासागर में इसके द्वारा मुहाना बनाया जाता है। कास्केड एवं सियरा नेवादा से आपका ये निकल रही है, ये आप देख रहे हैं कोस्ट है, और इधर जो है सियरा नेवादा है, और उसके ऊपर कास्केड है, ये तो ये आपके ऊपर जाती है, तो कास्केड और सियरा नेवादा के बीच से निकल करके ये आपकी इधर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपके सक्रामेंटो है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ नदी रही, तीन नदियां अभी और बची हुई हैं, लेकिन ये तीन नदियां हम कल देखेंगे दूसरी क्लास के साथ। नमस्कार भाई विपुल जी, लेट हैं। ठीक है, तो तीन नदियां और बची हुई हैं, फ्रेजर नदी, रेड नदी, सैंट जैक्विन नदी, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, और कल ही जो है हम दूसरी क्लास भी इसकी इससे रिलेटेड ले लेंगे। बढ़िया है भाई बहुत सही। जय भीम पंकज ऑफिशियल, अच्छा लगा आपकी बात।